पांचपौली स्थित आवली बाबू चौक में वंदना कलेक्शन की दुकान में चोरी हो गई थी। फिरियादी ने चोरी गया माल और चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। पांचपौली थाने के अंतर्गत आने वाले आवली बाबू चौक में वंदना कलेक्शन है। इसी दुकान में 5 तारीख को रात के समय आरोपियों ने शटर का ताला तोड़कर अंदर गए। कांच के दरवाजे का ताला भी तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करते ही चोरों ने तकरीबन 3 लाख के माल पर हाथ साफ किया। सुबह 10 बजे दुकानदार ने दुकान खोलने के लिए आया तो देखते ही भौचक्का रह गया। दुकान में रखा सब मेंस लेडीज वेयर के कपड़े दिखाई नहीं दिए थे। लॉक भी टूटा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद वंदना कलेक्शन की संचालिका वंदना लांजीवार इन्होंने पांचपावली थाने में चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। चोरी का मामला पांचपावली थाने में दर्ज कराया गया। पांचपावली थाने के थानेदार किशोर नगराले ने BCN न्यूज को जानकारी दी थी। पुलिस पांचपाव में तो वैसे चोरी, घरपोड़ी और लूटपाट की घटना तो बहुत कम होती है, वैसे नहीं के बराबर है, लेकिन 6/12/2020 को फिरियादी वंदना लांजेवाल इनके आवड़े बाबू चौक की दुकान में चोरी हुई थी। उसमें उनके दुकान से 35,000 के कपड़े और 4,000 रुपये नकदी गए थे। इसका तपास हमारा DB के हवालदार राहुल बढ़िया कर रहे थे। उस दरमियान उन्होंने आरोपी संजय दिलादर बोले और यश उर्फ बाबा संजय बंसोड़ को ताबे में लिया उनके पास, और उसमें 2 विधि संघर्ष का बालक भी है और एक आरोपी फरार है। उसमें से उन्होंने अभी तक 16,100 रुपये का माल जब्त किया है। आरोपी की तपास जारी है और उसमें और माल रिकवर होने की शक्यता है। वंदना कलेक्शन की दुकान शुरू होकर 8 महीने हुए थे और दुकान में 3 लाख का माल खरीद कर रखा था, जिसके सब माल के बिल वंदना इन्होंने बताए। शहर में चोरी की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसी एक घटना पांचपौली के अंतर्गत आने वाले आवड़े बाबू चौक के पास में वंदना कलेक्शन इस दुकान में भी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये वही दरवाज़ा था जिसे चोर रात के समय में आकर उन्होंने शटर भी तोड़ा और ये दरवाज़ा भी तोड़ा और उन्होंने भीतर प्रवेश किया और एक लंबी चोरी उन्होंने की है। तकरीबन 3 लाख के आसपास माल जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। आइए पूरा क्या मामला है जानना चाहेंगे वंदना कलेक्शन की संचालिका वंदना लांजर इस समय हमारे साथ में। मैडम, ये बताइए कि जिस तरह से ये घटना हुई है, इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस दिन मेरे 5 तारीख को जो चोरी हुई थी, तो मैंने सवेरे 10:30 बजे कंप्लेंट दी पांचपावली पुलिस स्टेशन में और कंप्लेंट मेरी बैठ गई हो, लेकिन एक महीना लगा वो चोर छपड़ने के लिए। कोई चोर छपड़े, कुछ नहीं छपड़े, लेकिन जो न्यूज़ चैनल पे बताया गया है कि 15,000 का या कभी कोई 38,000 का माल, ऐसा कुछ ऐसा कहीं मेरे रिपोर्ट में 35,000 का माल, तो ये सरासर गलत है। मेरा 3 लाख का माल चोरी हो गया है और मैंने बड़े परिश्रम से, मैंने 3 लाख रुपये बैंक का बड़ौदा रानी दुर्गावती शाखा से मैंने लोन उठाई हूँ। पूरे पैसे मैंने ये माल में डाली हूँ। मेरी परिस्थिति बहुत डाउन है और मैं वो ये कहना चाहूँगी कि जब चोर छपड़े है तो मैंने देखा भी नहीं चोर को, और माल जब BCN की न्यूज़ आई है तो मुझे वो सर ने भेजा है कि मैडम आपको मैं पहचानता हूँ, भाई तुम्हारा माल चोरी हुआ क्या दुकान का, तो मुझे उन्होंने भेजा है, तब मुझे पता चला। कोई किसी ने बोला नहीं कि भाई तुम्हारे यानी दुकान की 38,000 की चोरी हुई, तो ऐसा सब गलत है, सब झूठा ही है। और मैं सरासर ये बोलती हूँ कि मेरा 3 लाख का माल चोरी हुआ है, बड़ी परिश्रम से मेरे आदमी के पैसे, पेंशन के, मेरे मेहनत के, मेरे बेटे ने जो भी कुछ कमाया है वो पूरा माल मैंने बच्चों के तरफ दुकान लगाने के लिए पूरा खर्च करी हूँ। और अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए और जो चोर छपड़े उनके तरफ से मेरी पूरी रिकवरी होना चाहिए, क्योंकि मेरा इंश्योरेंस में भी कोई ये नहीं बैठ रहा है, क्योंकि मैं लेडीज और जेंट्स दोनों चलाती हूँ, तो वो कुछ दिया लड़के के नाम से कुछ बिल है तो उन्होंने मुझे यानी बोला कि नहीं बैठ सकता ज़्यादा कुछ भी, तो मैं इधर से ही गई उधर से ही गई, कोई नहीं है मेरे पास में कोई चारा नहीं है, तो मुझे न्याय मिलना चाहिए, चोरों को मेरे सामने खड़ा करना चाहिए, कम से कम मुझे दिखाना चाहिए कि चोर ये आपके है करके। एक जन दिखा था रास्ते से अंदर लेके जा रहे थे, तो मैंने उनको बोली कि ये है क्या, तो हंस रहे थे वो, इसका मतलब क्या समझूँ मैं कि मेरे ऊपर में बहुत अन्याय हो रहा है, तो मुझे न्याय मिलना चाहिए, बस इतना ही मैं बोलना चाहती हूँ। और मेरा जो मेरा चोरी का माल गया है पूरा, मुझे उनके तरफ से पूरा वसूली, वो कहीं से भी दे मुझे मालूम नहीं है, उन्होंने मेरी चोर लोगों ने मेरी भरपाई करना चाहिए, बस इतना ही बोलना चाहिए। न्यूज़ के चैनल से ये मैं यहाँ पे हूँ और इनका बहुत बड़ा धन्यवाद है कि
मैं यहाँ पे खड़ी हो गई हूँ उस बात के लिए। तो फिरियादी जो है वंदना लांजेवार, इन्होंने बताया कि किस तरह से चोरी की घटना हुई है, मगर अफसोस के अब तक के कार्रवाई पूरी तरह से नहीं हो चुकी है। और उनका ये मानना है कि तकरीबन 3 लाख के आसपास का माल था जो अभी भी बरामद नहीं हुआ है, जबकि पाचपौली थाने के पुलिस वाले इस दिशा में काम कर रही है। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मिरे, NBCN न्यूज़ नागपुर।